नमस्कार, एनबीटी एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। गुरुवार की सुबह बॉलीवुड और सिनेमा की दुनिया के प्रेमियों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आई। एक ऐसी खबर जिसने हम सभी को सुबह जगते ही, आंखें खोलते ही एक बड़ा झटका दिया है। सतीश कौशिक का निधन हो गया है। जी हां, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है। 66 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही हमेशा हंस मिजाज, खुश दिल रहने वाले, सबको हंसाने वाले सतीश कौशिक एक दिन पहले ही बुधवार को जावेद अख्तर और शबाना आजमी के घर होली पार्टी में शरीक हुए थे। तस्वीरें भी डाली थी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की थी। वही हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ उनका चेहरा था। और उनके निधन की सबसे ये जो दुखद खबर है वो सबसे पहले हमें जानकारी दी है अनुपम खेर ने। अनुपम खेर ने एनबीटी एंटरटेनमेंट से इसकी पुष्टि भी की है और साथ ही साथ ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके अपने दोस्त को अलविदा कहा है। अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा है कि वो जानते हैं कि जिंदगी का सबसे दुखद सत्य जो है वो मौत है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि अपने जीते जी अपने सबसे प्यारे करीबी दोस्त के लिए उन्हें यह बात लिखनी पड़ेगी कि उन्हें वह इस तरह से अलविदा कहना पड़ेगा। बहरहाल 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। हम सब सतीश कौशिक को एक कॉमेडियन के तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर पर्दे पर उनका वही रूप हमें दिखा था, लेकिन वो इन सब से कहीं आगे एक बेहतरीन डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर भी थे। सतीश कौशिक ने दिल्ली के किलोरी मल कॉलेज से पढ़ाई की और उसके बाद फिर एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन लिया। थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे थिएटर के, फिल्मों में आए। हम सबके जहन में उनके दो किरदार हमेशा से याद रहते हैं, एक मिस्टर इंडिया फिल्म से कैलेंडर का और दूसरा दीवाना मस्ताना से पप्पू पेजर का। और ये दोनों ऐसे किरदार हैं जो सतीश कौशिक की कॉमेडी की टाइमिंग को बखूबी बयां करते हैं। और बतौर डायरेक्टर उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा जो फिल्म आई थी अनुपम, अनिल कपूर और श्रीदेवी की, वहां से डेब्यू किया था। तेरे नाम जो सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी माइलस्टोन फिल्म कही जा सकती है, उसके डायरेक्टर भी सत्तम एक लंबा के बीच नहीं है।